नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव में भाजपा के लिए गुजरात सबसे अहम है। इसकी कई वजहें भी हैं। एक तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का यह गृह राज्य है। दूसरा, पिछले चुनावों में राज्य की सभी 26 सीटें भाजपा ने ही जीती थी, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर भी दी थी। ऐसे में भाजपा के लिए इस बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों को बचाना आसान नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदी राज्यों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। सिर्फ एक गैर हिंदी राज्य गुजरात था, जहां भाजपा ने सभी 26 सीटें जीती थी। तब यह माना गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल की उपलब्धियों और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने एकजुट होकर भाजपा को जिताया था। नतीजा यह हुआ कि 2009 में गुजरात की 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पिछले चुनाव में यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। भाजपा ने रिकॉर्ड 59% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस 33% मतों तक सीमित रह गई। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में कई राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जो इस बार चुनावों पर असर डाल सकती है। सबसे बड़ा घटनाक्रम ओबीसी दर्जे के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन रहा है। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में 2015 में बड़ा आंदोलन हुआ था। हार्दिक अब कांग्रेस में है और भाजपा को हराने में जुटे हैं। राज्य में करीब 21% पटेल मतदाता हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा का साथ दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार पटेल समुदाय के वोट भाजपा और कांग्रेस में बट सकते हैं। तो वहीं गुजरात में दिसंबर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इन चुनावों पर असर डाल सकते हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजों से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह प्रतिशत बढ़कर 41% पहुंच गया है, यानी 8% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि भाजपा का मत प्रतिशत 59% से घटकर 49% रह गया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की 20 सीटें बढ़ी हैं, जबकि भाजपा की 16 सीटें कम हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यदि विधानसभा चुनावों को पैरामीटर माना जाए तो भाजपा को इस बार करीब 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। राज्य के अहम चुनावी मुद्दों में इस बार जीएसटी, पटेल आरक्षण, नोटबंदी और किसानों की समस्या है। सबसे बड़े पटेल समुदाय के बीच यह सभी मुद्दे हावी हैं, क्योंकि पटेल किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और आरक्षण की मांग से भी जुड़े हुए हैं। भाजपा गुजरात के गौरव के मुद्दे को इन चुनावों में भुना रही है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात की जनता से अपील भी की जा रही है। भाजपा का तर्क है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसने राज्य का विकास नहीं होने दिया, जबकि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने राज्य के लिए काफ़ी कुछ किया और आगे भी करेगी। तो ये था हल्का सा गुजरात में लोकसभा के तीसरे चरण का आंकलन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। और सबसे अहम बात, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज punjabkesari.com को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हिमांशी, पंजाब केसरी स्टूडियो से।